हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक नए पैटर्न का पैराजम्बल बताऊंगा, और पैराजम्बल में क्या टेक्निक्स और क्या ट्रिक्स अप्लाई होती हैं ये आप सीखेंगे इस वीडियो क्लास में। पूरे वीडियो क्लास को प्लीज़ ध्यान से देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साइट से आप फ्री ई बुक्स एंड फ्री कंटेंट इंग्लिश सेक्शन का आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस साइट पर आप ज़रूर जाएं और यहाँ पर अपने काम का जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एक ये पैराजम्बल है और एक ये रियल पैराजम्बल है, काफ़ी लंबा चौड़ा ये पैराजम्बल है। ए बी सी डी ई एफ जी तक इसमें सेंटेंस हैं, और इन सेंटेंसेस को आपको एक सीक्वेंस में रखना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। तो सबसे पहले पैराजम्बल में क्या करना होता है, सबसे पहले पैराजम्बल्स में ऐसे सेंटेंसेस को निकालना है जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप ऐसे सेंटेंसेस को निकाल देंगे जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, तो फर्स्ट सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। अब फर्स्ट सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते? ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें किसी ना किसी प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। जैसे ही है, शी है, दे है, वी है, इट है, दीज है, दिस है, सच है, ये सारे होते हैं प्रोनाउंस, और प्रोनाउन वाले सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। इनको रिप्लेस करने से करने कर, इनको रिप्लेस करने के लिए इसके पहले एक सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है? तो वो सेंटेंस जो होगा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा। देखिए, यहां से हम देखते हैं, एड एजेंसीज हैव डॉक्यूमेंटेड दीज माइग्रेंट्स। इसमें क्या वर्ड आ रहा है? दीज, दीज माइग्रेंट्स आ रहा है, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दीज वर्ड आ रहा है, ठीक है? अब देखिए, दिस कॉस्ट शिफ्टिंग, इसमें भी दिस आ रहा है, यहाँ पर इसमें दीज आ रहा है, यानी इसका रेफरेंस किसी पहले वाले सेंटेंस में होगा, तभी तो हम बोलेंगे दीज माइग्रेंट्स। पहले हम माइग्रेंट का नाम बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे दीज माइग्रेंट्स, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, एज हिज एडमिनिस्ट्रेशन पोजिशन आर शिफ्टिंग द कॉस्ट ऑफ टैकलिंग विद द माइग्रेंट क्राइसिस टू मैक्सिको, ये हो सकता है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, एक्चुअली इसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रोनाउन है, ये हिज, ठीक है? तो ये भी नहीं हो सकता। यहां से देखते हैं, मिस्टर ट्रंप रेगुलरली क्लेम्स दैट हिज इमिग्रेशन पॉलिसीज आर यील्डिंग रिजल्ट। पहले मिस्टर ट्रंप आएगा, उसके बाद हम हिज या ही का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। ये देखिए, दीज प्रोटोकॉल्स, दीज आ गया इसमें, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, इट इज़ क्लियर बिकॉज मोर देन 37,000 माइग्रेंट टर्न अवे टू मैक्सिको आर नाउ कंटेंडिंग विद द यूएस प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इसमें भी एक्चुअली प्रोनाउन है, वैसे देखा जाए तो इट है इसमें प्रोनाउन। इट इज़ क्लियर बिकॉज मोर देन, इट इज़ क्लियर मतलब क्या क्लियर है? इट इज़ क्लियर मतलब ये चीज़ क्लियर है, लेकिन इसका रेफरेंस पहले आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, द थ्रेट्स, थ्रेट से पहले द लगा हुआ है इसमें, तो ये सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो इसमें आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रोनाउन लगा हुआ है, दिस दैट दीज दोज ही शी इट, या फिर जिसमें डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, वो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम किसी भी सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। पहले हम उस आर्टिकल को बोलेंगे, उसके बाद जब उस आर्टिकल को रिपीट करेंगे तो उसके बाद फिर द आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें सीखनी है कि प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, प्लस डेफिनेट आर्टिकल वाले सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। तो इन सारी चीज़ों को यदि हम कंक्लूड करें तो ये सेंटेंस फर्स्ट होगा, मिस्टर ट्रंप रेगुलरली क्लेम्स दैट हिज इमीग्रेशन पॉलिसीज आर यील्डिंग रिजल्ट। तो यहाँ पर आपका मैं लिख देता हूँ इसको, डी हो जाएगा। डी के बाद हम बोल सकते हैं, मिस्टर ट्रंप रेगुलरली क्लेम्स दैट हिज इमिग्रेशन पॉलिसीज आर यील्डिंग रिजल्ट्स। इसको देखते हैं, एज हिज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी आर शिफ्टिंग द कॉस्ट ऑफ टैकलिंग विद द माइग्रेंट क्राइसिस टू मैक्सिको, दिस कॉस्ट शिफ्टिंग। देखिए, यहाँ पर हम कॉस्ट शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं दिस कॉस्ट शिफ्टिंग, यानी बी और सी, सॉरी सी एंड बी आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी,
यहां पर कर देता हूं बी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या बनेगा। दिस कॉस्ट शिफ्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी अंडर इक्विप्ड टू ऑफर ह्यूमैनिटेरियन एड ऑन द रिक्वायर्ड स्केल। इसके बाद इधर आते हैं, इसके बाद यहां से देखते हैं, इट इज क्लियर। देखिए, दिस कॉस्ट शिफ्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी अंडर इक्विप्ड टू ऑफर ह्यूमैनिटेरियन एड ऑन द रिक्वायर्ड स्केल। इट इज क्लियर, ये इट इज जो बोल, इट इज क्लियर बिकॉज, यानी इसका रेफरेंस यहां पर दिया जा रहा है एफ में। यहां पर बी में हम बोल रहे हैं दिस कॉस्ट शिफ्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी अंडर इक्विप्ड। ये कॉस्ट शिफ्टिंग जो है अंडर इक्विप्ड इसको माना जा रहा है, क्यों? इट इज क्लियर, ये क्लियर है बिकॉज मोर देन 37,000 माइग्रेंट्स टर्न अवे टू मैक्सिको आर नाउ कंटेंडिंग विद द यूएस माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। तो इट के बाद हम ये वाला सेंटेंस लगा सकते हैं एफ के बाद, बी के बाद ये सेंटेंस लगा सकते हैं, और इसमें दिया है दीज प्रोटोकॉल्स। यहां पर हम बोल रहे हैं प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, यहां पर हम बोल रहे हैं दीज प्रोटोकॉल्स। तो एफ और ई आपस में जुड़े, एफ और ई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद एफ और ई, दीज प्रोटोकॉल्स रिक्वायर देम टू अवेट अ डिसीजन ऑन देयर एसाइलम एप्लीकेशन अब्रॉड, नॉट ऑन यूएस सॉइल। दीज प्रोटोकॉल्स रिक्वायर देम, हाँ, दीज प्रोटोकॉल रिक्वायर देम टू अवेट अ डिसीजन ऑन देयर असाइलम एप्लीकेशन अब्रॉड, नॉट ऑन यूएस सॉइल। अब देखिए यहां पर देखिए, एड एजेंसीज हैव डॉक्यूमेंटेड दीज माइग्रेंट्स। प्रीवियस सेंटेंस में हम माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 37,000 माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम बोल रहे हैं दीज माइग्रेंट्स। तो इसके बाद आ जाएगा आपका ए, दीज माइग्रेंट्स फेसिंग थ्रेट्स। यहां पर हमने थ्रेट्स की भी बात की है, और यदि आप जी में देखें तो इसमें हमने द थ्रेट की बात की है, यानी ए और जी का एक मैंडेटरी पेयर बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका ए एन जी, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा आपका डी सी बी एफ ई ए जी। अब इसको यदि आप पढ़ें आप तो एकदम सीक्वेंस में ये लगेगा, और मैंने आपको सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेज जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते उनको हटाना है। कौन से सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते? जिसमें या तो प्रोनाउन हो या इसमें या डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल हो, वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। फिर फर्स्ट सेंटेंस को निकालना है। फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मली एक टाइटल की तरह होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद वहां से लिंक करते हुए फिर आपको जाना है। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। स्क्वैलिड एक वर्ड आया है इसमें, स्क्वैलिड का मतलब होता है डर्टी, डर्टी कंडीशंस। तो ऐसे ये एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है पूरी तरीके से, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरे सारे सारा साइंस समझ में आए और उसका अर्थ समझ में आए। कॉन्टेक्स्ट समझ में आए तो अच्छा रहेगा, और कॉन्टेक्स्ट आपके लिए कॉन्टेक्स्ट रीडिंग से आ सकता है। रीडिंग आप करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको वर्ड समझ में आएंगे, कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, और उसके बाद पैराजम्बल को आप कर सकते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग रहता है, और क्लर्क में, बैंक पीओ में, सभी एग्ज़ाम्स में ये रेगुलरली पूछा जाता है। तो इसके बेस पर अब आप इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। देखिए, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा आपका? फर्स्ट सेंटेंस डी है, लेकिन डी दिया है बी में, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। अब इसमें देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस पूछे जा रहे हैं आपसे। ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस का पेयर क्या बनेगा। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस का पेयर है डी और जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस कौन सा है? थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, थर्ड है बी, ठीक है। बी कहां पर दिया है? बी दिया है ए में, ठीक है। सेकेंड लास्ट एंड लास्ट, आई थिंक ए एंड जी, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट है, ए एंड जी इसमें दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ए एंड जी, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। सेकेंड सेंटेंस सी है, सी दिया है सी में, सी हो जाएगा इसका आंसर। और फर्स्ट सेंटेंस कौन कौन से है? फर्स्ट सेंटेंस है डी एंड सी, तो ये हो जाएगा आपका
फर्स्ट का आंसर। तो इस तरीके से एक पैराजम्बल को किया जाता है, ये पूरी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होता है और इसकी आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है IBPS PO में या IBPS क्लर्क में, तो इसके लिए आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे लिंक्स मिल जाएंगे या मेरे से आप बात भी कर सकते हैं इन नंबर्स पर। ये नंबर्स 24 घंटे खुले रहते हैं, इन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। और फ्री फ्री कंटेंट यदि आप इंग्लिश सेक्शन का लेना चाहते हैं, फ्री ई बुक्स वगैरह, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, इस साइट से englishiq.in, यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक्स एंड PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।